आज 30 जनवरी 2020 को अंधेरी स्टेशन वेस्ट में यहाँ पर एक प्रोटेस्ट रखा गया है। 30 जनवरी जो आप जानते हैं कि गांधी जी की पुण्यतिथि है, और इस दिन जो है नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, उनका कत्ल किया था, उनकी हत्या की थी। लेकिन आज इन सालों में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, गांधी जी की हत्या के बाद से आज तक, आरएसएस जैसी फासिस्ट ताकतों ने गांधी जी की बार बार हत्या की और हत्या करते चले आ रहे हैं। इसके खिलाफ बापू को याद कर रहे हैं लोग, आज हिंदुस्तान पूरा बापू को याद कर रहा है कि आज के इस माहौल में, आज के हिंदुस्तान में, आज के हालात में, आज बापू, महात्मा गांधी, बापू की बहुत याद आ रही है और लोग उनको याद करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम आप देख सकते हैं यहाँ पर के लिखा हुआ है, आप मैं अपनी कैमरा पर्सन शाहीन पटेल से बताऊँ कहूँगा कि वही बैनर पे इस पे कैमरे से दिखा है हमारे नाजरीन को, हमारे सामाइन को, और ये बताने की कोशिश करें। और ये अलायंस जो है, ये जो पूरा प्रोटेस्ट जो है या एहतजाज जो है यहाँ पर, अलायंस अगेंस्ट फॉर CAA, NRC और NPR की जानिब से रखा गया। उसके अराकीन भी है, उसके जिम्मेदारान भी हैं, और यहाँ पर दूसरी और भी तंजीमों के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस अलायंस के साथ में। ये अलायंस ऐसा नहीं कि किसी एक तंजीम का है, इस अलायंस का मकसद है कि मुत्तहिदा महाज बहुत सारी तंजीमों का, बहुत सारी संस्थाओं का, सभी के जिम्मेदार यहाँ मौजूद है। मैं कैमरा पर्सन शाहीन पटेल से कहूँगा, यहाँ हमारे साथ बहुत सारी बहनें भी हैं, ख़वातीन भी हैं यहाँ पर मौजूद, और ख़वातीन भी इस एहतजाज में शामिल है और वो यहाँ पर एहतजाज के लिए जमा हुई है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा सबसे पहले SIO के जो यूथ विंग के एक एक्टिव जिम्मेदार है रईस शेख साहब, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आज का ये जो एहतजाज है, प्रोटेस्ट क्यों रखा गया है। रईस शेख साहब, आज 30 जनवरी, आप हम सबको मालूम है कि महात्मा गांधी जो हमारे इस देश के गॉडफादर कहा जाता है, जिन्होंने हम इस देश के लिए अपनी जान लगाई, अपने वक्त लगाया और लोगों को इसके लिए मुतहरिक किया, तो उन्हीं की याद में आज ये प्रोग्राम हमने रखे हैं। कि उसके साथ साथ ये भी हमने सोचा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इस देश ने, अंबेडकर साहब ने, उनका वो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा चले, जो इस देश की सबसे अहम चीज़ है, जो पूरी दुनिया में मानी जाती है कि इस देश में हर प्रकार के, हर जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, इनका रहन सहन अलग है, यहाँ का इलो का किसी भक्ति अलग है लोगों की। तो हम चाहते हैं कि इस देश में जिस तरीके से यहाँ लोग यहाँ रहते हैं, जैसे पहले कहा जाता था कि ये देश जो है सोने की चिड़िया कहा जाती है, आज इस देश में क्या हो गया है देखिए। आप इसी देश में रहने वालों को हमारे लोग ये कह रहे हैं कि ये देश के वासी है या नहीं, इसको इनको प्रूफ करने के लिए एक CAA जैसा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इसको लाया गया है। हम समझते हैं कि ये भी एक महात्मा गांधी जैसे अजीम आदमी की हत्या है। मैं इतना बोल के अपनी बात रखता हूँ। शुक्रिया, आपने सोशल मीडिया से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ भी और भी कुछ लोग मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर एक हमारे साथी हैं और बहुत सारे सामाजिक कारकुन हैं, निज़ाम शेख साहब, उनसे हम बात करना चाहेंगे। निज़ाम साहब, आप क्या बोल रहे हैं? पहले तो मैं आपको यहाँ वेलकम करता हूँ। दूसरी बात, लोगों की सोच होगी कि आज ये जो आज प्रोटेस्ट है ये NRC CAA के खिलाफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम यहाँ जमा है एक विचारधारा जो देश को ख़त्म कर रही है। दुनिया के सबसे ज़्यादा अमन पसंद, अहिंसा के पुजारी या फरिश्ता कहेंगे महात्मा गांधी जी, उनको मर्डर किया गया था RSS हिंदू महासभा के जरिए से, और इनकी जो सोच है आज ये लोग हावी होते जा रहे प्रदेश के ऊपर। आज इन लोगों ने मंत्रालय में, पार्लियामेंट में सावरकर की तस्वीर लगा दी, गोडसे की लगा रहे हैं। जब ये लोग बाहर जाते हैं अमेरिका तो वहाँ गांधी जी की तस्वीर बताते हैं लोगों, और यहाँ आके सावरकर की और गोडसे की तस्वीर लगाते हैं। जब ये लोग जापान और चाइना जाते हैं तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति देते हैं, फिर यहाँ आकर कत्ल खून करते हैं। मोगली राजनीति है कि एक तरफ कहीं आप गोडसे को बड़ा बताते हैं और वहीं गांधी जी को पूजने की बात करते हैं और गांधी जी के विचारों की बात करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गांधी जी के विचारों की बार बार हत्या की जा रही है, जो उनके विचार थे कि इस देश में अमन और शांति कायम रहे, इस देश में सब मिलजुल कर रहे और इस देश में जमहूरी निज़ाम कायम रहे, उस जमहूरी निज़ाम को कत्ल करने का काम और उसकी हत्या करने का काम कुछ फासिस्ट ताकतें कर रही हैं। आइए हम जानते हैं, हमारी बहुत सारी बहनें भी यहाँ पर मौजूद है। सोशल एक्टिविस्ट फैसल बनारसी वाला साहब जो हमारे साथ मौजूद है,
फैसल साहब, आज के इस दिन में जहाँ पर गांधी जी की हत्या की गई थी, आज के दिन 30 जनवरी को आज आप लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट लगाया है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से गांधी जी के विचारों को बार बार उनकी हत्या की जा रही है, उनके विचारों की हत्या की जा रही है, तो उसकी कितनी मजम्मत करते हैं आप? सबसे पहले तो मैं महात्मा गांधी करके फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है उनको, और ऐसी शख्सियत को जिन्होंने देश को स्वतंत्र करने में अपना सब कुछ गवा दिया, ऐसे नत्थूराम गोडसे के फॉलोअर्स जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल भी किया और आज भी लोग उनको उनका फॉलो करते हैं राष्ट्रीय सेवक संघ के माध्यम से, मैं धिक्कार करता हूँ एक सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से, और मैं श्रद्धांजलि देता हूँ महात्मा गांधी जी को जिन्होंने ये देश को स्वतंत्र करने में अपना योगदान दिया। मैं हम दिखाना चाह रहे कि ये इस देश की महिलाएं हैं, ये इस देश की जो नारी है, नारी शक्ति का यहाँ प्रदर्शन भी है, और जो गांधी जी और उनकी उनके उनको याद करने यहाँ पर आई है कि गांधी जी को जिस तरह से हत्या उनकी हत्या की गई थी उनको याद करने के लिए यहाँ जमा हुई है उनकी पुण्यतिथि पर। आप देख सकते हैं, देखते रहिए आमना सामना मीडिया नेटवर्क, कैमरा मैन शाइन पटेल के साथ राशिद सिंह। 30 जनवरी 1948 को इसी दिन, आज के दिन गांधी जी जो उनकी हत्या की गई थी, आज के दिन यहाँ पर अंधेरी वेस्ट में ये प्रोटेस्ट रखा गया है और गांधी जी की जो श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज के दिन 5:17 पर नत्थूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, उनके विचारों को गोली मारी थी, उनके विचारों का कत्ल किया था, और आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के की जिस तरह से हत्या की गई उसके विरोध में यहाँ पर लोग खड़े हैं, यहाँ पर बहुत सारी तंजीमों के जिम्मेदारान खड़े हैं। आज उनके लिए मौन व्रत यहाँ पर उंगली रख कर अपने होठों पर, अपने मुंह पर जो है यहाँ पर पूरा मैंने एहतजाज किया जा रहा है अंधेरी वेस्ट स्टेशन के बाहर। आप देख सकते हैं अभी कुछ यहाँ पर जो कुछ हम आपको दिखा रहे हैं एकदम लाइव है बिल्कुल, और ये लाइव जारी है। हमारी बहुत सारी बहनें भी यहाँ पर एहतजाज में शामिल है, वो एहतजाज कर रही है। आप देखते रहिए आमना सामना मीडिया आपको दिखा रहा है। आज इसी तिरंगे की शान को बरकरार रखने की ज़रूरत है, आज इसी तिरंगे के साथ में, आज इसी तिरंगे को जो हम सलाम करते हैं, उस तिरंगे को जिसने देश को जोड़ने का काम किया है, जिसने देश को एक की एकता और अखंडता के लिए अहम रोल अदा किया है, आज उसी तिरंगे को लोग, उसी झंडे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और इस संविधान को, गांधी जी के विचारों को ये देश ख़त्म नहीं होने देगा, ये देश मरने नहीं देगा। आपने गांधी जी की हत्या कर दी, लेकिन उनके विचारों की हत्या आप नहीं कर सकते, जबकि उनके विचारों को बार बार तोड़ा जा रहा है, उनके विचारों की हत्या लगातार की जा रही है इन पिछले सालों में, और एक फासिस्ट ताकतें जो है उनके विचारों को ख़त्म करना चाहती है। इस देश ने अहद किया है और ये संकल्प लिया है कि उनके महात्मा गांधी के विचारों को हम जो है ख़त्म नहीं होने देंगे, उनके विचारों को हम मरने नहीं देंगे, इस बात का संकल्प देश ने लिया है, और इसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी दे सकते हैं गांधी जी के विचारों को बचाने के लिए, इस देश के तिरंगे की मान सम्मान और उसकी शान को बचाने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को देश तैयार है। वो ऐसा यह नज़र आ रहा है, ये मंजर वो पेश किया जा रहा है, ये पूरे देश की भावना है, ये सिर्फ इस प्रोटेस्ट और एहतजाज की भावना नहीं है, ये पूरे देश की भावना है जो यहाँ दिखाई जा रही है, जो आपके सामने है, आमना सामना मीडिया आपको दिखा रहा है, ये पूरे देश की भावना उनके साथ सामने है। दर्शकों को हम बता दें कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये प्ले कार्ड पर लिखा हुआ है, महात्मा की दूसरी हत्या नहीं होने देंगे, नो सेकंड एसिनेशन ऑफ महात्मा, वी मिस यू बापू, बापू को हम मिस कर रहे हैं, बापू को याद कर रहे हैं। ये देखिए, ये श्रद्धांजलि ख़त्म हुई और इस सीटी के साथ में हम भारत के लोग आज शपथ लेते हैं, गांधी जी की हत्या हुई है, दूसरी हत्या नहीं होने देंगे, हम गांधीवादी विचारधारा को मिटने नहीं देंगे, हम देश को नफरत से आजाद कराएंगे, देश की एकता
और भाईचारे को मिटाने नहीं देंगे, अनेकता में एकता को बनाए रखेंगे, भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, हर भारतवासी हमारा है, हर भारतवासी हमारा है। ये बापूजी को जो श्रद्धांजलि दी जा रही थी वो खत्म हो चुका है, ठीक 5:21 पर खत्म कर दिया गया है। आज जिस तरह से यहाँ पर गांधी जी की जो आज की जो हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को, आप लोगों ने यहाँ पर जो उनको श्रद्धांजलि दी, इस पर आप क्या बोलना चाहती हैं? हम लोग अमन और शांति के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हमारे देश में जैसे गांधी जी बोल के गए कि ये लोकतंत्र देश है और हम लोग अमन और शांति से यहाँ प्रोटेस्ट में और कुछ भी करेंगे तो शांति से करेंगे, और ये सबका देश है।